ए यार, सुबह से मकान ढूंढ रहा हूं किराए पे। है नौकरी तो लगी लेकिन मकान मिलना बहुत मुश्किल है, तो कहां जाऊं? अरे ये टू लेट लिखा हुआ है, ये क्या लिख रखा है? किराया ये मिटा रखा है किसी ने क्या? अंदर जाके पता करता हूं। हाँ ये बार कितना लोग गया? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गेट खुला है तो अंदर आएगा ना, आओ ना। अरे शर्माना किस बात का, आओ, बनाया ही तुम लोगों के लिए है, साफ सफाई के लिए। आओ, हाँ वही 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 है। देखिए क्या है, वहां पर एकदम बहुत बढ़िया, एकदम साफ, एकदम सुथरा टॉयलेट है, आप जा सकते हैं वहां पर, जाइए ना। पहले पहले देखिए, पहले अपना नाम वाम लिखवा दीजिए हमें, क्या नाम है? सर अभी पहले बात तो कर लेते। नाम तो मेरा आर्यन है, आर्यन। ओके ओके मैं सर वो किराए के लिए देखने आया था, तो मैं जब जा रहा था मेरी बात सुनिए आप, किराया है हमको सब पता है, यहाँ पे सब जितना मकान मकान है ना, जी सब का सब किराए पे है, और क्या है, सारा एक जैसा है। अब देखिए जैसे हम यहाँ का बात करता है, ये देखो हाँ। इधर है टॉयलेट, ठीक है, और उधर है। एक मिनट, तुम नौकरी में है या छोकरी में है? छोकरी में? जी छोकरी मतलब छोकरी मतलब बोले तो पढ़ता है क्या? अच्छा वो सर पहले छोकरी में था, मेरा मतलब पहले पढ़ाई करता था, अब तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। पढ़ाई नौकरी सब में छोकरी है। वो बात आपकी ठीक है। अच्छा मैरिड है, सिंगल है? सिंगल है सर। सिंगल है तो छोकरी अभी अभी देखो, हम तुम्हारे को बताता है, वहां अभी तुमको बताया टॉयलेट वगैरह, वहां पे एकदम साफ सुथरा रूम है, उधर किचन। किचन से याद आ, अंडा मच्छी खाता है? अंडा मच्छी? सच्चाई का पता लग गया तो ये मकान कभी नहीं देगा। एकदम सही बोलने का, बिल्कुल झूठ नहीं बोलने का है। जी 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 बिल्कुल नहीं, मैं अंडा मछली मांस मछली कुछ नहीं खाता, आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी, बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। तो गंदा बात करता तुम, अंडा मछली खाना चाहिए, सर्दी में नहीं खाएगा तो कब खाएगा? हम तो खुद सोच रहा था, अगर तुमको पकाने जानते हो। जब मैं खाता ही नहीं, कभी कभी मेरे दोस्त वगैरह सिखाने। जब भी पकाए ना हमको बुलाए, हम तो सब देख के खाएगा, अंडा भी मच्छी भी। जिसने नहीं खा मच्छी उसका जिंदगी एकदम कच्चे। ये तो बहुत अच्छा मकान मालिक है, और इससे किराए की बात पूछता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये बाहर जो आपने टूलेट लिखा है, 5 रुपए के आगे का जीरो मिट गया है शायद, इतना कम किराया, ये कैसे? मैं सही तो लिखा है, एकदम सही लिखा है, 5 रुपए। और क्या, 5 रुपए? इतना बड़ा मकान 5 रुपए किराया लेंगे आप सिर्फ मुझसे? अरे 5 रुपए किराया का नहीं, बाहर टॉयलेट लिखा, टॉयलेट लिखा, टॉयलेट लिखा है, टॉयलेट मतलब सीसी छू 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 फू 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 मतलब था वो करने का है। बाहर सर TOLET, टॉयलेट, टॉयलेट मतलब किराए पे देना मकान, आपने 5 लिखा, हमने सोचा हमने 12 लिखा। अब देखो एक बात बताइए, TOLET टॉयलेट, टॉयलेट 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 ही तो होता है, टॉयलेट का मतलब टॉयलेट। आप टॉयलेट करवाने के लिए 5 रुपए लिखे अपने घर पे? आप देखिए ये क्या मतलब हुआ, मतलब जब से ये लॉकडाउन वगैरह लगा ना, कोरोना वगैरह आया ना, हमारा धंधा हट गया। अभी हम इसमें वही तो हिसाब जोड़ता था, सुबह से हमारे पास 8 लोग नहाने आ चुका है, 5 लोग, 10 लोग, 15 नहीं 20 लोग के करीब टट गया है, बाकी उसके बाद सुसु वगैरह गया है, और उसके बाद जो बचा है हम वो लिख रहा था तुम्हारे नाम में लिख रहा। मेरा तूने दिमाग खराब कर दिया है, टॉयलेट 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 लगा 5 रुपए। हद हो गई यार, तो यहाँ सुबह से मकान ढूंढ रहा हूँ, मकान नहीं मिल रहा, ऊपर से मूत्रालय खोल रखा है, 5 रुपए दो इसको। फिर आ गया, घर हमारा है, टट्टी भी हमारा है, टॉयलेट भी हमारा है, पैसा भी हम ही लेता है, और हम घर से जाएगा? क्या नाम? हाँ जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन ये हटा दे, स्पेलिंग ठीक कर, TOLET होता है टॉयलेट, ये थटोला था, टॉयलेट था, टॉयलेट था, टॉयलेट होता है, समझना समझो, और नहीं समझो तो बाहर जाओ। गंदा बात करता है बोगचर, कितना पैसा आ गया, इस साले का नाम काटना पड़ेगा, आर्यन।